नमस्कार वलनमो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले से बात कर रहे थे कि हम लोग अयोध्या जाएंगे और अयोध्या से आपको दिखाएंगे राम जन्मभूमि पर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है कि अब बाबरी मस्जिद जो यहाँ पे पहले सबसे पहला जो भी बात था कि नमाज जो पढ़ी जाएगी उसके लिए मस्जिद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वह क्लियर हो गया है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की जो खंडपीठ तीन लोगों के जजों की पीठ थी उसमें जो फैसला आ गया है उसमें अब राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ गया है और अगले आने वाली इस अगले महीने की 28-29 तारीख से राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनवाई शुरू हो जाएगी। और एक बात और क्लियर हो गया है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल और राहुल गांधी यह कहते हैं कि राम भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है कि अब सारी सुनवाई जो होगी वह लाइव टेलीकास्ट पे होगी, वो जनता भी उसको देख सकेगी। अब पता चलेगा कि किस तरह से जब आप कहते हो कोर्ट में भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते, भगवान राम का अस्तित्व नहीं हो, और कल आप चित्रकूट में जाकर के वहाँ पर आपके पोस्टर्स लगे हुए थे राम भक्त राहुल गांधी, साहब एक कंट्राडिक्शन कैसा। एक तरफ आप कहते हो भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते और दूसरी तरफ आप बात करते हो कि राम आप राम भक्त लिखते हो, कहाँ का कहें की राजनीति कर रहे हो, आप समझ नहीं आ रहा है। देश की जनता अब आपको समझ गई है, इसलिए हम आज एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि आपकी राजनीति को एक्सपोज करना जरूरी है। जिस तरह से आप एक देश के एक लगभग 125 करोड़ लोगों की आस्थाओं के साथ खेलते हो, भगवान राम को मुद्दा बना के रखा है, जो भगवान राम आस्था का विषय है उनको आप मुद्दा बना के रखे हो, भगवान राम मुद्दा नहीं है, जनता भी कह रही, जैसा हम लोग यहाँ पे हम लोगों से बात किया और लोगों से पूछना चाहते हैं कि भगवान राम क्या मुद्दा है या आस्था है, इस बारे में हम लोगों से अब जानना चाहेंगे, लोगों से पूछेंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे। सर आप लोग यहाँ आए हैं मेरे ख्याल से बाहर से ही आए होंगे, हाँ, तो एक चीज़ पूछेंगे, जिस तरह से अभी आप लोग, मैंने आपको एक बोला राहुल गांधी, एक तो राहुल गांधी के जो वकील हैं वो कहते हैं कि भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, परंतु वहाँ कल चित्रकूट में गए हैं, पहले तो शिव भक्त थे अब राम भक्त बन गए, वहाँ राम भक्त में लिखा जा रहा है, आपको क्या लगता है इस तरह से कि राजनीति क्या देश के लिए देश के 125 करोड़ लोगों के लिए जिनकी आस्था का विषय है वो कहीं चोट पहुँचाना है या नहीं, आप लोग क्या, आपके लोग की क्या राय है? हमारे लिए तो अच्छा ही ना, राम भक्त होना चाहिए, राम मंदिर बनना ही चाहिए, राम मंदिर बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। तो इस तरह की जैसे देश में देखिए राजनीति सबसे बड़ी चीज है, राम मंदिर में राजनीति रोड़ा आ रही है, हाँ। तो जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, हाँ। आप लोग खुल के बोलिए यहाँ पे, जितना भी आपको जो अपने दिल में हो वो चीजें आप रख सकते हैं, क्योंकि भगवान राम, पहले से हम कहते हैं भगवान राम को मुद्दा मत बनाइए, भगवान राम आस्था है, आस्था और मुद्दा, भगवान राम को अगर आप मुद्दा बनाएंगे तो वह बहुत लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप लोग क्या कहेंगे, भगवान भगवान राम आस्था है, मुद्दा है या आस्था, आप लोग का क्या? हमारा आस्था है, आस्था है, तो आस्था पे अगर कोई इस तरह से कोई चोट पहुंचाएगा और कहेगा भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरे दिन वो जनेऊ पहन करके और बाहर निकल के कहता है हम भगवान राम भक्त हैं, आप लोगों का इस पे क्या करना है, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना? गलत करना है उनका, गलत है उनका, बहुत गलत है, बोलो बहुत गलत है। आप लोग क्या, आपको आप लोग क्या लगता है, जिस हिसाब से ये चेहरा बदल रहे हैं उस हिसाब से तो यही चाहते हैं कि हम सत्ता में वापस आएं, और राम भगवान को इन्होंने बनवा दिया है मुद्दा, जो आस्था को तो इन्होंने ठोकर मार दिए, ओनली मुद्दा बना के ये देश प्रदेश में घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है। राम भगवान पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे, और मंदिर तो बनना ही चाहिए, पर जब पहले थे तब ये पहले कब सो रहे थे, पहले कहाँ सो रहे थे, पहले इनको जगना चाहिए था ना, अगर वाकई में इनको सत्ता में आना था, ये क्यों है धर्म परिवर्तन ऐसे करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, 4 साल पहले क्या राहुल गांधी को आप कभी मंदिर जाते देखा था? आप लोगों ने एक सबसे सवाल, क्योंकि मैं जनता के बीच में हूँ, सब लोग से एक सवाल है, क्या राहुल गांधी को 4 साल पहले कभी मंदिर जाते देखा था? आप लोगों ने कोई बता दे, नहीं देखा, नहीं देखा। किसी सिंगल का कोई हाँ कहना चाहता तो प्लीज जवाब दे, आए और बता दे। नहीं नहीं। तो क्या 4 साल में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया? सब लोग पता है कि इनके जो दादाजी थे कौन थे, वो इनके दादाजी जो थे वो कौन थे, जो राजीव गांधी के पिता थे, वो फारूक अब्दुल फारूक तो वो मुस्लिम थे, तो ये कहाँ से हिंदू गए आप लोग का, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर में इनके मन में खोट है जो धर्म के ऊपर इस तरह की राजनीति करके अब 2019 चुनाव आ रहा है तो ये कर रहे हैं, तो आप लोग का मतलब कांग्रेस सरकार को नहीं आएगी, भाजपा आने वाली है। मैं आज मैं राजनीति नहीं इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग
कौन आएगा कौन नहीं आएगा इससे मतलब नहीं है। भगवान राम का मंदिर आस्था का विषय बनना चाहिए, वहाँ चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो या राहुल गांधी हो। एक बात तो तय है कि जो मोदी जी हैं वो आज से नहीं, बहुत पहले से वो मंदिर जाते आए हैं। वो चाहे किसी भी समय रहे हो, 2014 हो या 2002 हो या 2001 हो, वो हमेशा मंदिर जाते आए हैं। आज नए वो शिव भक्त नहीं बने, नए राम भक्त नहीं बने हैं। मोदी जी कभी पगड़ी पहन के ही जाते हैं, उनके से टोपी वगैरह कहीं मस्जिद के अंदर जाते नहीं। वो नहीं बोलते कि हम हिंदू है, हिंदू के इसमें हम रहेंगे। कभी मस्जिद में जाएंगे तो हम हमारी सिर पे वही रहेंगी पगड़ी हमारी हिंदू की। मुसलमान के हिसाब से हम कहीं नहीं चलेंगे, हम हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। और राजनीति के लिए हम कुछ ऐसा मुद्दा नहीं उठाएंगे। एक बात इनकी बात सही है कि कभी भी मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, कि मोदी जी टोपी पहनते या नहीं पहनते। टोपी पहनने से कोई किसी का धर्म ग्रहण नहीं कर लेता है अगर कोई। लेकिन ये क्या बात होती है कि आप जब जनता के सामने आते हो तो मुखौटा कुछ और होता है, और जब जनता के पीछे जाते हो तो मुखौटा कुछ और है। यही चीज़ मोदी जी के लिए है कि मोदी जी अगर टोपी नहीं लगाते हैं, जो कि हमारे लोगों को देखते हैं, अगर टोपी नहीं लगाते हैं, हिंदू सच्चा या नहीं हो तो उनके दिल में जो है वो बाहर भी है। ऐसा नहीं कि आपके सामने आकर के वह कहते हैं कि जनता के सामने आकर के मैं राम भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, लेकिन पीठ के पीछे क्या होता है। आप सभी लोगों को क्या लगता है कि राम मंदिर बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। बोलो जय श्री राम चंद्र की जय। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा यहाँ पे जैसा माहौल है, लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, हमने शुरू से करते आए हैं राम मंदिर का मुद्दा का नाम ना दिया जाए, आस्था का नाम दिया जाए। आस्था के नाम पे अगर आप कोर्ट भी कोई भी वर्डिक्ट आएगा, और वर्डिक्ट आना ही है जैसा कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इस महीने इस साल के आखिरी तक राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। लोग भी यहाँ, हमारी राय नहीं है, बहुत सारे लोग चैनल पे आके अपना कमेंट्स करते हैं, लेकिन हमारे कमेंट्स नहीं। ये राजस्थान से है, इनका भी मैं जानना चाहूँगा। ये हमारी पैसे देकर बुलाई हुई जनता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे देकर बुलाई जनता है, आप इन लोग से पूछ लीजिए, कोई लोग भी है, इनका अपनी है। सिरपुर महाराष्ट्र से आए हैं ये, देखिए ये लोग का, मेरी राय नहीं है इसमें, मैं किसी को बुला कर नहीं लेके आया हूँ। लोग कहते हैं कि बुला करके चार लोग को कैमरा पे इकट्ठा करके लोग अपने सूरत से आए हम लोग। आप लोग का सब लोग का कोई और राय स्पेसिफिक देना चाहते हैं? सब अभी मौका है, मोदी जी की यूपी में त्यागी जी है, केंद्र में मोदी जी है, भविष्य में क्या होगा। अगर अब मंदिर नहीं बनेगा तो मेरी ख्याल से 100 साल मंदिर नहीं बनेगा। अब मोदी जी को अलर्ट होना चाहिए और मंदिर की तैयारी करनी चाहिए। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा लोगों में काफ़ी जोश है, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। और ये जोश क्यों आया है हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और यहाँ पे योगी हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहे हैं, बहुत लोगों को वो करते रहे हैं कि भगवान राम जिस तरह लोग भगवान राम को सिर्फ राजनीतिक रूप से देखना चाह रहे थे, वो राजनीतिक रूप अब नहीं है। बाकी लोग तो अब मैं कुछ और लोग से जानना चाहूँगा। आप बताइए आपका क्या करना है इस जो मुद्दे पे आपने सुना यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं, क्या है भगवान राम का मंदिर आपको लगता है बनेगा, क्या इस मसले में आपका क्या कहना है? मेरा तो ऐसा ख्याल है कि मोदी के राज में मंदिर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, और निकाल अपने तरफ से ही लगेगा और मंदिर जरूर बनेगा। अच्छा, मतलब मोदी जी के आने से ही आस बढ़ी आपकी कि भगवान राम का मंदिर बनेगा? हाँ, मोदी के आने से ही मेरी आस बड़ी है कि भी मंदिर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। साहब राहुल गांधी भी तो मंदिर जा रहे हैं, वो राम भक्त हो गए, शिव भक्त हो गए, और वो आदमी जो उनका नेता कहता है कि वो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, राम भक्त हो गए, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप राहुल गांधी के बारे में? वैसा तो ऐसा है कि भाई इनके राज में भी बन रहा तो वैसे परिस्थिति बन रही तो बन ही जाएगा। नहीं, परिस्थिति बना कौन रहा है, राहुल गांधी बना रहे हैं क्या? नहीं, जनता सब बना रही और मोदी जी उसको साथ दे रहे हैं। मोदी जी साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग मानते हो कि मतलब जो राहुल गांधी की नकली ढकोसली राजनीति है, वो राहुल गांधी की ढकोसली राजनीति है, सिर्फ वह राजनीति कर रहे हैं, उनका भगवान की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के आस्था से लेना देना नहीं है, बराबर है, बराबर है उनका। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शब्द नहीं है, लोगों के शब्द है जो इनके उसमें कुछ लोग और खड़े हैं, उन लोगों से मैं जानना चाहूँगा। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? जी जालौन से आए। जालौन से आए हैं लोग, बहुत दूर दूर से आए हैं लोग। इस मेरे ख्याल से अगर यहां से आप लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ आपका भगवान में आस्था होगा। आपको पता है कोर्ट में यह कहा जाता है, कैसा लगता है आपको, दिल में कैसा लगता है जब कोर्ट में यह कहा जाता है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है,
वकील कहते हैं भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। और वह देश जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, हमारे यहां 125 करोड़ लोग की आस्था का सवाल खड़ा करते हैं। आपको क्या लगता है, दिल में कैसा लगता है जब कहते हैं लोग जी? सारी राजनीतिक पार्टियां जी राजनीति हिसाब से अपने हिसाब से सब डील कर लेते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी हो। अभी मोदी को भी 4 साल हो गए हैं, तो उनको भी कुछ देखना चाहिए था क्या विकास, कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है सारा सब कुछ, अभी कोर्ट में ही कोर्ट में अब से थोड़ी चला आ रहा है, वो तो पुराने टाइम। परंतु एक बात बता दीजिए, क्योंकि कितने सालों से वर्षों से कांग्रेस सरकारें रही हैं, कभी ऐसा माहौल आपको लगा था कि भगवान राम पे जो जिस तरह से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं सब कुछ हो रहा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 साल, किसी चीज़ को अगर एक घर होता है, घर भी बिगड़ा हुआ होता है, उसको सुधारने में वक्त लग जाता है। अगर एकाएक आ करके, पता है आपको 125 करोड़ लोग हैं, सबके अलग अलग सोच है, कोई डिसीजन अगर सरकार एकाएक आकर ले लेती है तो आपको लगता है कि देश में क्या वो मचेगा? क्योंकि आस्था के विषय में कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व हैं जो इसको और ज़्यादा तूल पकड़ाते हैं। आपका क्या लगता है? देखिए, हिंदू धर्म के लोग तो यही चाहते हैं कि राम मंदिर बने, है ना, और राम मंदिर बनेगा, ये तो पक्का है, आज नहीं तो कल बनेगा। लेकिन ये है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से सब घुमा फिरा के कर तो अभी क्या लगता है, कुछ आपको माहौल की सिर्फ दिखावा है, प्रोपेगंडा है, या लग रहा है कुछ होप लग रही है आप भगवान? होप तो है थोड़ी सी, मोदी माउस राज में लगता है कि मतलब मोदी जी के नाते रज रहा है, राहुल गांधी के नाते नहीं लग रहा। राहुल गांधी जो मंदिर मंदिर घूम रहे, हो सकता है उनके बगल में धर्म परिवर्तन के लिए और मन में राम बगल में छुरी वाला जो कहानी, ऐसा तो नहीं है? तो ऐसा मोदी के साथ भी हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो मोदी भी तो अपना प्रोपेगंडा लेके चलते हैं राम भक्त। सारे जितने भी हमने देखे मोदी के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, सारे राम भक्त, राम भक्त। सही बात, एकदम आपकी बात से हम सहमत है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों की अपनी, हर लोग का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होता है कि भगवान को देखने, मतलब किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का, दलों का, चाहे वो मोदी हो, हम यहाँ इस मंच पर जहाँ पर हम जहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर हम किसी पार्टी के लिए नहीं, केवल हमने कहा है, एक बात बोली है, भगवान राम मुद्दा नहीं है, भगवान राम आस्था है। मुद्दा मत बनाइए साहब, कोर्ट से भी अपील है, लोगों का जिस तरह से 3 तलाक और बहुत सारी चीज़ों पे लोगों का शरीयत आ रहा है, उनके उलेमा आते हैं, उस तरह से लोगों का जो है, लोगों की राय मैंने नहीं बोली है, लोगों ने बोला है, उस पर हम आपको हम इस तरह से, आप हमारे साथ बने रहिए, जिस तरह से हमने आपको दिखाया है यहाँ राम, अभी बहुत सारी चीज़ें, हाँ बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन मानिए, हम आपको अगले 2-3 दिन तक जिस तरह से हमने आपको अगले हफ्ते 10 दिन से दिखाते आए थे, बोलते आए थे कि भगवान राम आस्था का विषय नहीं है, और वह माफ़ कीजिए, भगवान राम आस्था का विषय है, उस चीज़ को यहाँ प्रूफ करके जाएंगे। आप मुद्दा मत बनाइए, चाहे कोई भी सरकारें हों, और ख़ासकर राहुल गांधी से आपसे निवेदन है, और जनता से कमेंट्स में बॉक्स में हम जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, उसके पार्टी का व्यक्ति कहता है भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं, वो राम भक्त बना घूम रहा है, और उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और आगे की खबरें हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।